हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी शॉपी ऐप में बैंक अकाउंट को ऐड कर रहे हैं लेकिन ऐड नहीं हो पा रहा है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐप से चले जाना है बाहर और आपको देख लेना है शॉपी ऐप आपके फ़ोन में कहाँ पर इंस्टॉल है। आपको शॉपी ऐप पर 3 सेकेंड तक क्लिक करके रखना है, ऐप इन्फो पर कर देना है क्लिक। ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्टोरेज पर क्लिक करना है, सबसे नीचे क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है, ओके कर देना है, बैक जाना है। नोटिफिकेशन के ठीक नीचे परमिशन का ऑप्शन है, परमिशन पर कर देना है क्लिक, सभी को परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद बैक चले जाना है, ऐप को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद लॉगिन करना है, आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लेना, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।